अमित जी इसे नजर डालें अगर बिनौला खल की कीमतों पर, तो देख रहे हैं कि सितंबर वायदा 2400 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2500 का भी लेवल आज टूट चुका है, और देख रहे हैं कि 3.5% का लोअर सर्किट आज बिनौला खल की कीमतों में लगता हुआ नजर आया है। तो अमित जी यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल की कीमतों में यहाँ से अभी और गिरावट आ सकती है? जी बिल्कुल, आई थिंक जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई यही कहा था कि 2700 का जो मेरा एक पोजिशनल सपोर्ट था क्योंकि बाजार ने तोड़ दिया था, तो नेचुरली जो सेलर्स होते हैं वो हावी हो जाते हैं ऐसे समय पर, और हमने देखा कि जो ट्रेडर्स काफी समय से होल्ड करके रखे हुए थे और जिन्होंने 3200 पे समझ लीजिए अपनी क्वांटिटी नहीं निकाली होगी, उन्होंने आखिर में 2700 के नीचे अपना जो पोजीशन है वो खाली कर दिया है, और उस हिसाब से ही हम 3 से 4 महीनों की सक्सेसिव बाइंग के बाद एक पोजिशनल प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। और मैंने जैसे 2450 का एक लक्ष्य दिया था, 27 के नीचे वो आज हासिल होता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये जो लेवल है और भी एक्सीड होगा और पोजिशनली 2250 के नेक्स्ट जो स्तर होंगे वो हमें सितंबर वायदा में देखने मिलेंगे जब तक एक्सपायर होता है। जी, तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में जो गिरावट आ रही है ये अभी और ज़्यादा गहराती भी नज़र आ सकती है। अमित जी के मुताबिक 2250 तक बिनौला खल की कीमतें नीचे में जाती भी नज़र आ सकती हैं।